जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कौलसुम फातिमा और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। ज़िले में नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला, रोज़ हो रही हादसों से सहम उठे लोग। ताज़ा मामला नालंदा के हरनौत और इस्लामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दो यात्रियों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पहली घटना हरनौत प्रखंड के रेलवे ट्रैक किनारे मिले अगास्त व्यक्ति का शव। घटना चोरों ओपी अंतर्गत खरवारा हाल्ट के पास की है। घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज मृतक की पहचान व मामले की जांच में जुट गई है। मृतक दृष्टि यह मामला हादसा प्रतीत होता है, जो चलती ट्रेन से गिर गया है। वहीं दूसरा घटना इस्लामपुर स्टेशन की है, जहां युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक सरोज उर्फ पप्पू पिता कृष्ण प्रसाद सिंह 44 वर्ष बोकारो से अपने पैतृक घर फैजलापुर रिश्तेदार की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। उसके बाद वे वापस कार्यस्थल झारखंड के बोकारो जाने के क्रम में पटना हटिया ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद मृतक की परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के छोटे छोटे तीन बच्चे, जिनमें एक बेटा और दो बेटी हैं, रहने वाले हैं बोकारो का। ये इस्लामपुर हटिया ट्रेन पकड़ के चढ़ने वाले थे, उसी क्रम में जो है ये घटना हुआ है। कब हुआ ये घटना? ये 13 तारीख को। कहाँ जा रहे थे? ये बोकारो जा रहे थे। ये काम किया है? हाँ, शादी अटेंड करने फिर वहाँ बोकारो। बोकारो अपना वहाँ कार क्षेत्र। क्या नाम हुआ मृतक का? पप्पू कुमार। आप कौन हुए? हम उनके मसेरा भाई। क्या नाम है आपका? इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।